हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बहुत ही अच्छी रिलैक्सेशन प्रोफेशनल्स को मिली है। जैसे कि हम जानते थे, पिछले कई दिनों से या यूँ कहिए कई महीनों से ये हमारी इश्यूज जो MCA पोर्टल पे चल रही है LLP को लेके, कि कई फॉर्म से जो LLP के अपलोड नहीं हो रहे हैं, जो उन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट किया था वो काफ़ी हद तक फ्लॉप हो चुका है, और जिसके चलते ये डेट उन्होंने एक पिछले दिनों में बढ़ा दी थी, दूसरी डेट ये दोबारा बढ़ा रहे। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि रिलैक्सेशन इन पेइंग एडिशनल फीस इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑल द इवेंट बेस्ड ई फॉर्म ड्यू ऑन एंड आफ्टर 25 फरवरी 2022 टू 31 मई 2022। यानी ये जो हमारी डेट इसके बीच में पड़ रही है 25 फेब से लेके 31 मई तक की, उसमें जो भी फॉर्म्स जिनकी ड्यू डेट थी वो सब बढ़ा के उन्होंने 30 जून 2022 कर दी। ये वो बात यहाँ नीचे बता रहे कि जो रिप्रेजेंटेशन मिली थी एक्सटेंशन के लिए, टाइमलाइन के लिए, उसको देखते उन्होंने अपनी ड्यू डेट को बढ़ा दी है। 25 फेब 2000 से लेके 31 मई 2022 के बीच में जो भी डेट्स आ रही थी, ड्यू डेट्स आ रही थी, उन सब की एडिशनल फीस माफ़ कर दी गई है 30 जून 2022 तक। एक अच्छी रिलैक्सेशन है ये प्रोफेशनल्स के लिए और ये जो एडिशनल फीस जिनको भरनी थी उनके लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात सोचने की है कि ये जो ड्यू डेट बढ़ाई जा रही है, ये इन्होंने 30 जून कर दी है, लेकिन इससे जो काम रुक रहा है LLP का, वो का नुकसान जो हो रहा है उसके बारे में क्या है? क्या ये ड्यू डेट बढ़ाने से वो काम का नुकसान पूरा होगा? क्या सिर्फ ड्यू डेट बढ़ाने से जो प्रॉब्लम फेस करे स्टेक होल्डर्स का, ये इसकी भरपाई हो पाएगी? तो क्यों ना इस डेट को बढ़ाने के बजाय हमारे मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर कुछ ऐसा करे कि जो हमारे स्टेक होल्डर के लिए परेशानी ना हो, क्योंकि ये एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं है, ये एक्सटेंशन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के लिए है। क्योंकि इनका पोर्टल जो नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जिसके से कईयों के ऐसे सामने केसेस हमारे हैं कि जो काफ़ी दिनों से ये फॉर्म 3 फॉर्म 4 ये भरने के लिए रुके हुए हैं और इनके काम रुके हुए हैं, और बस हमारी मिनिस्ट्री जो डेट आगे बढ़ाती जा रही है। ये तो ऑब्वियसली बात थी, स्वाभाविक तौर पर ये तो एक्सटेंशन होना ही था, लेकिन हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए। हमें पोर्टल के जो ग्लीचेस है, हम चाहते कि वो ग्लीचेस को हटा दिया जाए, क्योंकि जिसके चलते काफ़ी प्रोफेशनल्स के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स है उनके जो काम में प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टेक होल्डर्स के काम रुक रहे हैं, जिसका प्रेशर जो है प्रोफेशनल्स को उठाना पड़ रहा है, और स्टेक होल्डर्स के नुकसान हो रहे, इसका क्या? दोस्तों, उम्मीद करते ये आपको अपडेट पसंद आया होगा। साथ ही मैं आपको दूसरी एक अपडेट बता दूं, जो आज हमारी लास्ट डेट है, कि जो हमारी लास्ट डेट है कि जो 2 मई 2022 को इन्होंने बताया था, हमारा जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए हमको पोर्टल पे अपडेट करना है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कि जो हमारी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है, फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए हमको आज लास्ट डेट है सबमिट करने की, इन्होंने जो बताया था। और इन्होंने चांस दिया है कि दो बार इसको हम चेंज कर सकते हैं, ट्वाइस विद इन दी मंथ ऑफ मई 2022, यानी लास्ट डेट 31 मई है, तो उसके पहले पहले इसको हम दो बार चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने गलत भर दिया है, तो उसको हम चेंज करने का उन्होंने ऑप्शन रखा है। और ये जितने भी कॉमन पेन से हमारे जो GST के अमाउंट मिलाकर वहाँ हमको डालना है, पोर्टल पे जैसे हम जाएंगे तो हमको ये ऑप्शन दिखाई देता है, उस ऑप्शन में जाकर हमें अपनी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर डालना है, जिसकी वजह से हमारी कई चीज़ें डिसाइड होगी, जैसा कि हमारी मंथली रिटर्न स्कीम होगी या QRMPS में रहेंगे हम, ये एक बात है। ई इनवॉइजिंग को लेके भी क्या होगा हमारा, साथ ही में HSN कोड की जो डिटेल्स होती है कि कितने 2 डिजिट डालना है हमें, 4 डिजिट डालना है, ये भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बेस पर डिसाइड होगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है, आज आखिरी डेट है, कुछ ही घंटे बचे हैं, वो जल्द से जल्द कर ले। तो दोस्तों, होप करते हैं आपको हमारा ये आज का अपडेट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जल्द मिलती रहे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।